अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी मुर्गियों का दड़बा कैसे बनाया है। बीइंग ब्रॉट अप इन द गल्फ, हम अक्सर फ्लैटों में पलते बढ़ते हैं और ऐसे हमारे जो शौक़ होते हैं उनको बड़ी मुश्किल से पाए तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। तो नाउ दैट आई एम इन पाकिस्तान, मैंने सोचा इस शौक़ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाया जाए। तो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव बिल्ट। तो ये एक पतली सी जगह है जहाँ पे हम अपना मुर्गी का दड़बा बना रहे हैं, और ये पहले एक क्यारी थी। तो यहाँ पे कुछ दरख्त हैं, अच्छे खासे दरख्तों को निकालना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, बट डोंट वरी, जिन दरख्तों को हम बचा सकते थे हमने उनको शिफ्ट किया है किसी और जगह पे, और जिनको हम नहीं बचा सके उनको इसी मुर्गी के दड़बे में इनकॉर्पोरेट किया है उनकी याद में। इस आम के दरख्त के नीचे ज़मीन को हम पक्का करें कॉन्क्रीट से, क्योंकि ये हमारे दड़बे की मेन एंट्रेंस होगी। तो कीचड़ वगैरह से बचने के लिए हमने इसको पक्का कर दिया है। इस दड़बे को बनाने के लिए हमने 18 गेज का लोहे का पाइप इस्तेमाल किया है और आधी इंची की जाली इस्तेमाल की है, और इस जाली को लोहे के पाइप के साथ पक्का करने के लिए आधी इंची की लोहे की स्ट्रिप्स भी इस्तेमाल की हैं। इस पूरे मुर्गी के दड़बे की 14 फुट लंबाई है और इसकी हाइट जो है मैक्सिमम 7.5 फुट है और मिनिमम 6.5 फुट है। और ये बहुत कॉन्शियसली मैंने चूज़ किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बंदा आराम से 6 फुट का बंदा आराम से अंदर आ जा सके विदाउट फीलिंग क्लस्ट्रोफोबिक। मुर्गी के दड़बे की छत को इतना ऊंचा रखने का एक और फ़ायदा ये है कि मैं चिकन कूप को ज़मीन से 3 फुट ऊपर रख सकूंगा, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुर्गियाँ अंडे देंगी और रात को रूस्टिंग करेंगी। कूप को 3 फुट ऊपर करने से हमारी मुर्गियों को नीचे ज़्यादा जगह मिलेगी और हमें अंडे निकालने और इसकी सफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। मुर्गियों का खुड्डा, या अगर अंग्रेज़ी में इसको हम चिकन कूप कहें, इसको बनाने के लिए मैंने लकड़ी के बजाय या ईंटों के बजाय PVC शीट का इस्तेमाल किया है। और ये इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि PVC शीट वाटरप्रूफ होती है, लाइट वेट होती है, और ये आराम से एल्फी से जुड़ जाती है। तो इन फ़वाद की वजह से मैंने PVC शीट का इस्तेमाल किया, क्योंकि PVC शीट को पानी से कोई नुकसान नहीं होता, इसको धोना और इसकी सफाई करना बेहद आसान होगा। PVC शीट की 4 दीवारें जो मैं बना रहा हूँ उसकी एक दीवार पूरी बंद होगी जहाँ से बारिश आने का खदशा है। एक साइड में एक छोटी खिड़की होगी फॉर वेंटिलेशन, एक साइड पे मुर्गियों के लिए अंदर आने जाने का दरवाज़ा होगा जो मैं अपनी मर्ज़ी से बंद भी कर सकूंगा, और चौथी साइड पे रिमूवेबल PVC शीट्स होंगी जो मैं सर्दियों के मौसम में लगा दूंगा और गर्मियों के मौसम में हटा दूंगा फॉर वेंटिलेशन। इस PVC बॉक्स के फ्लोर को मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि आराम से स्लाइड होके बाहर आ जाएगा, जिससे मुझे इसकी धुलाई और सफाई करने में बहुत आसानी होगी। PVC की एक बहुत ज़बरदस्त खसूसियत यह है कि इसको हम एल्फी से जोड़ सकते हैं, तो इस बॉक्स को हम स्क्रू और एल्फी की मदद से जोड़ेंगे। हमारी PVC शीट जो बच गई थी हमने उसके नेस्टिंग बॉक्सेस बना दिए हैं। ये 11x11 इंचेस के 3 बॉक्सेस हैं और इनको भी हमने एल्फी से जोड़ा है। मैं चाहता था कि मुर्गी के दड़बे के अंदर जाए बगैर दरवाजे को खोला जाए,
तो हमने ये एक ऑटोमेटिक दरवाजे का जुगाड़ बनाया है। अब हम मुर्गियों के रात के सोने का इंतज़ाम कर रहे हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक मुर्गियों में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि रात को वो किसी ऊंची जगह पे जाके रूस्टिंग करती हैं, तो उसी चीज़ को एम्यूलेट करने के लिए जो लकड़ियाँ मेरे पास पड़ी थी उससे मैंने एक रूस्टिंग स्टैंड्स बनाए हैं। हमारे घर से एक बॉक्स निकला तो मैंने सोचा मुर्गियों के लिए अलमारी भी बना दें। अब क्योंकि मुर्गी का दड़बा ज़मीन से 3 फुट ऊपर है, हमें इनके लिए सीढ़ियाँ भी बनानी होंगी, तो हमारे घर में जो बची खुची लकड़ियाँ थी हमने उससे ये सीढ़ी बनाई है। इस सीढ़ी के डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि ये रिमूवेबल है, तो अगर हमें सफाई करनी है तो हम इसको आराम से निकाल के साइड पे कर सकते हैं। कल रात को मुझे 6 मुर्गी और 1 मुर्गे का एक जैसा सेट मिला, मिस्री नस्ल का, तो मैंने सोचा उनको घर ले आऊँ। तो अभी ये पूरा रेडी नहीं हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि उनको ले आते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारी सीढ़ियाँ काम करती हैं या नहीं करती हैं और बाकी चीज़ें कैसी चलती हैं। तो अभी भी मुझे इनका ऑटोमेटिक फीडर लगाना है, पानी का भी और दाने का भी, बट मीनवाइल देखते हैं कि जो हमने चीज़ें बनाई हैं वो काम करती हैं या नहीं। 2 hours later काफ़ी सोच और विचार के बाद 2 मुर्गियों ने हिम्मत की और बाहर निकली, मगर अभी तक छलांग नहीं मारी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे यहाँ पे खाना पीना शुरू हो चुका है। 4th और 5th मुर्गी बाहर निकल आई है और मुर्गे का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। ले जी, मुर्गा आ गया है मगर उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं नीचे कैसे उतरूँ। एक बहुत बड़ा ईगो का प्रॉब्लम होने वाला है। इस सीढ़ी का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये निकला है जो मैंने प्लान नहीं किया था कि ये इनका एक रेस्टिंग एरिया भी बन गया है और सर्दियों में ये यहाँ पे अपनी सिकाई भी करती हैं। अगर आप देख के परेशान हो रहे हैं कि ये मुर्गियों को क्या हो गया है तो घबराइए मत, ये इनका नहाने का स्टाइल है। मुर्गियों को डस्ट पास लेने का बहुत शौक है तो वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, तो अक्सर औकात मुर्गियाँ अपने आप को मिट्टी में मलती हैं जरासीम और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए और अपने आप को ठंडा रखने के लिए। हमारे नेस्टिंग बॉक्सेस भी कामयाब जा रहे हैं और अंडे रेगुलरली आ रहे हैं। मुर्गियों के लिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप ज़्यादा नेस्टिंग बॉक्सेस ना बनाएं, क्योंकि मुर्गियाँ प्रेफर करती हैं कि वो एक ही नेस्टिंग बॉक्स में मल्टीपल अंडे दें और कभी कभार वो नेस्टिंग बॉक्स के बाहर भी अंडे दे देती हैं। ये मुर्गियों की पहली रात है और ये वापस जाने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं बड़ा नर्वस था कि वो पता नहीं ऊपर जाती भी हैं या नहीं जाती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रात तक सारी मुर्गियां अंदर चली गई थीं और उन्होंने अपनी रूस्टिंग एरिया में रात गुजारी। पहली 2 रातों में उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया मगर अब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं और मगरिब से पहले पहले रूस्टिंग एरिया में पहुँच चुकी होती हैं। I've done it! Nothing can stop me now. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन दे दूं। बहुत सारे लोग मुर्गियां इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको डर होता है कि बदबू बहुत आएगी, गंद बहुत होगा। तो मैंने एक ऑनलाइन रिसर्च करते हुए आई फाउंड अ मेथड, उसको कहते हैं गोरे लोग कहते हैं इसको डीप लिटर मेथड। उसमें बेसिकली साइंस ये है कि आप जो है महीने 6 महीने में एक दफ़ा उसकी बेसिकली सफाई करेंगे। तो मुझे 6 महीने हो गए इसके साथ और उसकी सारी साइंस ये है कि आपने लकड़ी का बुरादा रखना है जो आपको एक बोरी 200-250 रुपये की आ जाएगी, आपको मोटा बुरादा होता है, तो किसी भी आप लकड़ी वाली शॉप में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो वो मैंने लिया और मैंने लकड़ी का बुरादा रखा, मुर्गियों ने उस पर गंद किया वो जो भी किया, और जैसे ही आपको हल्की बुल्की बू आना शुरू हो गई तो आपने उसको रिप्लेस करने के बजाय उसके ऊपर और आपने बुरादा डाल दिया, तो इस तरह जब तक कि वो बू ख़त्म नहीं होती, तो इस तरह होते होते वो ख़ुद ब खुद डीकम्पोज होता रहता है और आपके आपकी क्यारी के लिए खाद बन जाता है। तो अभी मुझे इसके साथ 6 महीने हो गए और हमें ज़्यादा बदबू वाला बिल्कुल भी बल्कि प्रॉब्लम नहीं आया, बिल्कुल
पता नहीं चलता। अभी भी मैं सिर्फ आप लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं करना चाह रहा हूँ ये वीडियो अपलोड करने से पहले, तो आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाह रहा था इसकी सफाई मैंने कितनी आसान है इसकी जो मैंने डिज़ाइन की है। तो अभी मैं इसको चेंज करूँगा, ये सारा जो बुरादा है ये बेसिकली अब खाद बन गया मेरे पौधों के लिए और मैं इसमें अब नया बुरादा डालूँगा। तो इसका इसकी सफाई बहुत आसान है, मैंने बस इसको पुल आउट करना है, स्लाइड करना है एज आई एक्सप्लेन्ड, और ये मेरा सारा खाद बन गई है। इसे पकड़ लें इसको, अभी हमारी खाद बन गई। चल तो ये हमारी होगी पौधों की खाद। मुर्गी की खाद अच्छी है पौधों के लिए। तो ये आपका जो है ये ज़ाया भी नहीं होता, आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहती है, आपके पौधों के लिए भी अच्छा है। और ये 6 महीने में मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, दूसरी और आगे जगह डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी, मैंने सोचा था इसको शायद पानी से धो दें, अगर हमें दिल चाहे तो पानी से धो सकते हैं, ये वाटरप्रूफ है, मगर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये 6 महीने की गंदगी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो अगर ज़रूरत महसूस हुए तो पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, मगर मैं नहीं करूँगा, आई डोंट थिंक इसमें ज़रूरत है अभी। साफ़ सुथरे फ्लोर को वापस डालेंगे और इसमें हम अपना अब नया बुरादा डालेंगे। और ये है जी हमारे नेस्टिंग बॉक्सेस, इनको भी साफ़ कर दिए, को यहाँ रखेंगे, इनमें भी हम नया बुरादा डालेंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है जी मेरे पल्ले जो मैंने दरवाज़े बनाए हैं, तो इनको मैं सर्दियों में इस तरह रखता हूँ और गर्मियों में वेंटिलेशन के लिए मैं ये स्लाइडेबल है तो ये निकल आता है मेरा दरवाज़ा। तो अब जो है हवा पूरी क्रॉस करती है और सर्दियों में हवा क्रॉस नहीं करती ताकि मुर्गियां बीमार ना हो, और आजकल गर्मी है तो ये मैं निकाल के रखता हूँ। अक्सर पाकिस्तान में जो है मुर्गियों के दड़बे के इर्द गिर्द जो है कपड़े रखे जाते हैं, तो वो भी ये थोड़ा खूबसूरत इसका सलूशन है। तो ये आई होप के जो लोग घबराते थे कचरे वगैरह से और बदबू वगैरह से, उनको इस मेथड को अपनाते हुए शायद थोड़ी हौसला अफजाई हो उनकी कि वो मुर्गियाँ रखें। तो मैं इसमें नया लकड़ी का बुरादा डालूँगा, तो डू लेट मी नो कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन कैसी लगी। तो आपने ज़्यादा नहीं डालना और थोड़ा थोड़ा डालना है, तो आपने इसको बिल्कुल ओवरफ्लो नहीं करना है, आपने इतना डालना है कि पूरा फ्लोर छुप जाए, और फिर जैसे ही गंद होता जाता है आपने और इसको भरते जाना है इसके ऊपर ना, तो ये खुद ब खुद डीकम्पोज होता जाएगा। तो अभी ये बहुत फूला फूला है, मगर ये थोड़े दिन बाद ये थोड़ा सुखड़ जाएगा, फिर जैसे ही सुखड़ेगा थोड़ी बू आने लगेगी तो हम इसके ऊपर और नया बुरादा डाल देंगे। अब हम बनाएंगे इस मुर्गी के दड़बे का फाइनल पजल पीस, ऑटोमेटिक वाटर एंड फीडिंग सिस्टम। इसको बनाने के लिए हमने यूज्ड पीवीसी पाइप्स लिए हैं जो आपको किसी भी आम दुकान से मिल सकते हैं। इनके दाने के लिए हमने एक लंबा पाइप रखा जिसमें दाना स्टोर होगा, और उसके नीचे हमने एक 45 डिग्री एल्बो लगाई है जिससे ऑटोमेटिकली दाना अपनी ज़रूरत के मुताबिक नीचे आता जाएगा और हमें रोज़ दाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम के लिए मैंने दराज से एक वाटर डिस्पेंसर टाइप चीज़ ऑर्डर की है, तो इसी के साइज़ के हमने पीवीसी पाइप में पहले से सुराख कर लिए थे, तो अब हम इनको सिर्फ स्क्रू करेंगे। इसमें भी हमने लंबे पीवीसी पाइप रखे हुए फॉर वाटर स्टोरेज।
ये जो वाटर डिस्पेंसर टाइप चीज़ है इसकी सफाई करना भी बेहद आसान है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। चिकन कूप के नीचे जो जगह बची थी हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे और अपना वाटर डिस्पेंसर यहाँ पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पुराने वाटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि मुर्गियाँ इसको आलूदा कर देती थी और उसमें मिट्टी फेंक देती थी, तो अब हमारे ये मसाइल ख़त्म हो गए हैं। इस वाटर सिस्टम में पानी भरना बेहद आसान है। मुर्गियों को अगर पानी पीना होगा तो वो इस येलो चीज़ के ऊपर चोंच मारेंगी और उनके लिए पानी फराहम हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मुर्गियाँ बहुत ही स्मार्ट और क्यूरियस क्रीचर्स हैं और उन्होंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि उन्हें दाना कहाँ से मिलेगा। और अब ये मुर्गी फिगर आउट करने वाली है कि इसको पानी कहाँ से मिलेगा। अमूमन ये होता है कि एक मुर्गी पहले फिगर आउट करती है, फिर बाकी मुर्गियाँ उसको कॉपी करती हैं। एंड देयर यू गो, ये मैडम इसको काटने की कोशिश कर रही हैं, मगर सून शी विल फिगर आउट के इससे पानी कैसे पिया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।